नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बीए और बीएससी बीएड जो फोर ईयर की जो बीएड होती है उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है आज से, और दो वर्षीय बीएड की भी जल्दी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में एक तो ये जानेंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है और कैसे आपको काउंसलिंग में क्या क्या गलतियों से बचना है, और दूसरी बात हम बात करेंगे कि बीएड जो सेकेंड दो साल वाली बीएड होती है उसकी काउंसलिंग कब तक शुरू हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो जो बीए बीएड और बीएससी बीएड है उनकी मैं डेट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ कि 5,000 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 5,000 रुपये का चालान कटवाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो आप 7 तारीख से 16 तारीख तक यानी आज के बाद 16 तारीख तक कभी भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको 5,000 रुपये का चालान कटवाना होगा और वहाँ पर वो आपको जो रिसिप्ट आएगी उसकी प्रिंट निकालनी होगी। उसके बाद में आप 10 अक्टूबर से चॉइस फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको आज से ही क्या है रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप 10 तारीख को चालान कटवाकर 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाकर हाथों हाथ कॉलेज भी फिल कर सकते हो। इसके बाद में आपको जो अलॉटमेंट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग 20 तारीख यानी 20 अक्टूबर को आपको पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी क्या कॉलेज की, किसको कौन सी कॉलेज मिली है, और जिसको कॉलेज नहीं मिलेगी उनके लिए आगे की प्रक्रिया रखी जाएगी। फिर आपको जैसे एक माना कि आपको कॉलेज मिल जाती है 20 तारीख को, तो 20 से 25 तारीख तक आपको 22,000 रुपये फीस के जमा करवाने हैं, ठीक है। ये 5,000 तो हो गए, फिर 22,000 और करवाने हैं। उसके बाद में आपको कॉलेज में जो रिपोर्टिंग करनी है वो 20 से 26 तारीख तक करनी है। और अगर आप जैसे माना कि आपको 5वें या 6वें नंबर की कॉलेज मिली और आप चाहते हो कि यार ऊपर वाली किसी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा जो 20 तारीख से 27 तारीख तक शुरू होगा, ठीक है। 20 तारीख से 27 तारीख तक आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, जिसमें आपको अगर 6 नंबर वाली कॉलेज मिली है और आप चाहते हो कि ऊपर की 5 नंबर में से कोई कॉलेज मिल जाए तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, और अगली कॉलेज आपको ऊपर 5 में अगर जगह होती है तो मिल जाएगी, वरना आपकी जो पहले कॉलेज है वो एकदम वही रह जाएगी। मैं आपको एकदम डिटेल से बाद में बताता जाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट में अगर कॉलेज चेंज होती है तो वो 29 तारीख को पता चल जाएगा, और फिर 29 तारीख से 31 तारीख तक आपको जो नई कॉलेज मिलेगी उसमें रिपोर्टिंग करनी है। तो फिलहाल आपको रजिस्ट्रेशन करना है 5,000 रुपये का, और फिर आपको 10 तारीख के बाद कॉलेज फिल करनी है, यानी कि और एक बात कॉलेज फिल करते हुए ध्यान रखना है बहुत सारी कॉलेज फिल करना है, यानी ऐसा नहीं है कि मेरे ज़्यादा नंबर है तो मैं कम कॉलेज फिल कर देता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरनी है, और अगर किसी के कम नंबर है तो वो लास्ट में ऑल राजस्थान का ऑप्शन जरूर क्लिक कर दें, ठीक। और बाकी प्रक्रिया 10 तारीख तक मैं आपको एकदम विस्तार से बता दूंगा, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, कॉलेज फिल होना 10 तारीख से स्टार्ट होगा। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि 2 वर्षीय बीएड की कब स्टार्ट होगी, तो 2 वर्षीय बीएड में स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इतना भी टाइम नहीं लगेगा, लगभग आपका अगले वीक तक इसकी भी स्टार्ट हो जाएगी। 10 तारीख के बाद में कभी भी जो है 2 वर्षीय बीएड की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, और आप 10 तारीख से कॉलेज फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन आज से करवा सकते हो, 10 तारीख को भी करवा सकते हो, हाथों हाथ आप कॉलेज भी फिल कर सकते हो। तो पहले 5,000 रुपये का चालान, फिर आप कॉलेज फिल करोगे, फिर आपकी लिस्ट आएगी, फिर जो आपको कॉलेज अलॉट होगी वहाँ पर 22,000 का आपको ऑनलाइन फीस भरनी है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट जमा करवाने कॉलेज में, और उसके बाद आप अगर आप अपनी जो कॉलेज मिली है उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, जिसके थ्रू आपको अलग जो कॉलेज है वो चेंज करने का मौका मिल सकता है। तो इस हिसाब से रहने वाला पूरा मैं विस्तार से आपको जैसे जैसे लिस्ट निकलेगी गाइड करता जाऊंगा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो धन्यवाद बने रहे जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीवा स्टडी।